जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर ये सरकार विकास कर रही है तो इसी का प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन कर रहा है तो क्या परेशानी हो रही है? अरे विकास जो कर रहा है उसका नाम हो रहा है तो क्या दिक्कत है उसको? क्या दिक्कत है? मेरी तो यही समझ नहीं आ रहा है, ये मुद्दा जबरदस्ती बनाया जा रहा है। सारे कुत्ते मिलके है ना एक शेर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं, मगर होना कुछ नहीं है। जो विकास चल रहा है वो चलता रहेगा ऐसे ही, और ये इनसे कुछ नहीं होना। पब्लिक सब समझती है, सब जानती है कि क्या हो रहा है। विदेशों में हमारा नाम हो रहा है, पहले हमारे प्रधानमंत्री पीछे खड़े होते थे, आज फ्रंट पे खड़े होते हैं, ये कम बात है हमारे लिए। हाँ, इससे ज्यादा क्या बोले हम? विपक्ष कह रहा है कि जो राष्ट्रपति उनके हाथों उद्घाटन होना चाहिए। आप मैडम, ये तो मुद्दा बनाया जा रहा है, राष्ट्रपति को लाने वाली ये सरकार है। अब वो जब से तो इसका विरोध कर रहे थे, अब ये जब आ गए तो अब इनको ये मुद्दा मिल गया कि आदिवासी है, ये है वो है। अरे भाई, जो चीज़ डिसाइड हो चुकी है कि यानी उद्घाटन कौन करेगा, अगर वो कर रहे हैं तो तुमने हर चीज़ का ये डिसाइड होता है ना पहले से, कि कल उठाया किसी को भी, जी आज उद्घाटन वो करेगा ये करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता, नॉर्मल बात है। ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है पहले। अब हर चीज़ सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, राष्ट्रपति की अलग है, प्रधानमंत्री की अलग है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जो मर्जी आया जी मुद्दा बना लिया कि उद्घाटन आदिवासी नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, लेडीज नहीं कर रही। अरे मैडम, इनको है ना देश की प्रगति से कोई मतलब नहीं है, इन्हें राजनीति माजनी है और कुछ नहीं है, बैठेंगे सब साथ में ही। मगर ये मुद्दा बन गया है तो अब बना रहे हैं उसको और उछाल रहे हैं, क्या पता कि सरकार झुक जाए इनके सामने, बस और कुछ नहीं है। ये सरकार को मोदी को झुकाना चाहते हैं, इससे ज्यादा। सर क्यों मोदी जी से इतनी जलन क्यों है विपक्ष को, मैं आपसे पूछती हूं। अरे मैडम, पता है ना कि इनका कुछ नहीं होने वाला मोदी जी के सामने। राष्ट्रपति जी की बात तो है, ये बहाना बना रहे हैं, असली बात यह है इनको डर है। जितने भी जो लोग नहीं आ रहे हैं, सारे विपक्ष नहीं, बहुत सारे विपक्ष आ भी रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो सब घोटालेबाज हैं। कोई भर्ती घोटाला में है, किसी का आप देख लो यहाँ शीश महल घोटाला हुआ है, किसी का शिक्षक घोटाला में जो बिहार वाले नेता है वो फंसे हुए हैं, के कविता जो है वो शराब घोटाला में फंसी हुए है। इनको डर है आएंगे यहाँ संसद, ईडी वाला पकड़ के अंदर कर दिया तो इनको डर है कि हम अंदर हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हंस मध्य बकोया था, यानी कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोया था। जहाँ हंस का सभा होता है ना, वहाँ बगुला शोभा नहीं देता है, और यही मूल बात इसमें क्लियर होना चाहिए। संसद का कोई भी कार्रवाई बिना राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के नहीं होता है। अभी भी जो हो रहा है राष्ट्रपति के अनुमति से हो रहा है। सत्र का शुरुआत राष्ट्रपति जी करते हैं, उसका अंत राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी सर्वे सर्वा हैं, लेकिन हमें इस बात पर ज़्यादा गर्व होगा जनता को कि स्वतंत्र देश में एक स्ट्रक्चर बना, और स्वतंत्र देश में पैदा होने वाला पहला ये हमारे पीएम हैं। बाकी जो पीएम थे वो गुलाम देश में पैदा हुए थे, ये स्वतंत्र देश में पैदा होने वाले हैं, और स्वतंत्र देश के हम लोगों ने मेहनत से बनाया, हमारे मजदूरों ने बनाया, बिहार उत्तर प्रदेश बहुत सारे मजदूरों ने मिल करके इसे बनाया है। कोई गुलामी कालखंड में नहीं बनाया है, अपना दाल रोटी खा करके हमने बनाया है, और उसमें हमारा अपना भारत के स्वतंत्र में जन्मा हुआ एक प्रधानमंत्री जा रहा है, और बिल्कुल सही हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आना चाहे आ जाए, देखिए आपको इन्विटेशन देंगे, आप आना चाहिए आइए, नहीं आना चाहिए आपकी मर्जी है, निमंत्रण कार्ड तो गया ना, तो बस इस और इसमें क्या इफ्ट हो सकता है, अब आप बताइए। मोदी जी अकेले पे सब पे भारी हैं, रीजन ये है मोदी जी, मतलब उनका जलन सिर्फ मोदी से ही है और किसी से नहीं है। मोदी जी के ना कोई भी उद्घाटन करके चला जाए ना, उनको कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी ना आए बस। जबकि उनको पता होना चाहिए कि ये लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिनायक हैं, नायक हैं वो, राइट। राष्ट्रपति तो तब आएंगे ना जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाता है। अभी तो जैसे बिल्डिंग प्रिपेयर हुई है, और बिल्डिंग की अगर निर्माण के बाद वो इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं बींग लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता होने जाते, तो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। बट चुल इसलिए है क्योंकि वो मोदी हैं, अगर कोई और होता तब तो भाई चलो बढ़िया है। ये जो कांग्रेस हैं, आप वाले हैं, सपा बसपा, ये सब एक ही तरह के हैं। इनको मोदी जी इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी सत्य पे चल रहे हैं अभी, इंडिया प्रोग्रेस कर, बयानबाजी कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट कर रही है, इंडिया की विदेशों में वैल्यू बढ़ रही है, ये चुलन है इनको, ये इनको भजन पच नहीं रहा है, रीजन ये है। ये पचेगा नहीं इनको, ऐसा ना हो जाए, यस ऐसा हो ना जाए कुछ दिन बाद ये सब पचा ना पाए, फिर कर दें कि भाई मोदी जी जिंदाबाद, में ये भी मोदी जी के नारे लगा दें। कह रहे हैं कि
अगर मोदी जी उद्घाटन करते हैं तो हम शामिल ही नहीं होंगे समारोह में, इस तरीके से बुलाए गए हैं, जरूरत क्या है? ये जब एक फोटो खींचेगा ना तो उसमें ये दिखेगा कि सारे विपक्ष एक तरफ थे, नहीं कोई नहीं था उस इतिहास में, सिर्फ मोदी जी जिंदाबाद। ये वही पार्टी है जब राम मंदिर नहीं बनी थी तब भी विरोध कर रही थी, अब बन रही है मोदी की वजह बन रही है तो मोदी की विरोध कर रहे हैं, ये विरोधी वाली पार्टी है, विरोध में कर रहे हैं ये लोग। मैम विपक्ष में ही अच्छे लगते हैं, सरकार वाला है ही नहीं ये लोग, बिल्कुल नहीं, इनका कोई वजूद भी नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखोगे एक पार्टी देख रहे हो, उसका चीफ हेल्थ मिनिस्टर जेल में, उसका एजुकेशन मिनिस्टर जेल में, खुद जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी लाइन में लगा हुआ, सॉरी चीफ मिनिस्टर जो भी है वो भी लाइन में लगा हुआ है। कभी भी तो ये पार्टी कुछ दिन में देखेंगे अब ख़त्म है, ठीक है, एक विपक्ष ख़त्म। आने वाले दिनों में ये सपा बसपा और ये कांग्रेस भी गठबंधन करके मोदी से एक बार लड़ाई करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। नए संसद भवन के समर्थन में है, विपक्ष ने तो इसको वेस्ट बता दिया कि नया संसद भवन है, बनना ही नहीं चाहिए था, इस तरीके से बोलते, और एक टाइम पे कांग्रेस कहती थी कि हमें नए संसद भवन की ज़रूरत है। उसको नया संसद भवन नहीं चाहिए लेकिन नया प्रधानमंत्री जरूर चाहिए, और राहुल उसको नया संसद नहीं चाहिए लेकिन पप्पू जरूर चाहिए, कि उसको नया सब पसंद है लेकिन अपना वाला मोदी वाला नहीं। अगर मोदी कोई करेंगे तो उसको पसंद है, बाकी सब पसंद है। जनता की उम्मीदें पूरी हो रही है, प्रधानमंत्री जनता के वोट से बने थे, जनता का अगर विपक्षी ये बोले कि प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति के हाथों से हो, मुझे एक बात बता दें, जब 2011 में मणिपुर की विधानसभा का लोकार्पण हुआ, सोनिया गांधी क्या थी? उनका संवैधानिक पद एक साधारण सांसद का था, ना वो कोई गवर्नर थी ना वो कोई राष्ट्र। भगवान क्या अपने मंदिर का खुद शिलान्यास करता है? क्या भगवान अपने मंदिर का खुद लोकार्पण करता है? प्रधानमंत्री वो हैं जो राष्ट्रपति के अनुपालना करते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री का काम है उस संसद में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण करवाना, पूरे संसद के संविधान को बैठाना और संविधान की पूरी प्रति का वहाँ पे लोकार्पण करना ही करवाना। तो प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का काम है भगवान का मंदिर बनवाना, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का मंदिर बनाओ, वो काम कर रहे हैं। अब इनको पता नहीं कौन सी बुद्धि आती है, ये इसीलिए इनको मंदबुद्धि बैल बोला जाना सीधा, और इनका केवल एक ही है, इनको पहले तो विरोध सेंट्रल विस्तार से ही था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी तो सुप्रीम कोर्ट विरोधी हो गया, ठीक है, और फिर इनको विरोध था ये संसद बड़ी क्यों बन रही है, इतनी इतना पैसा क्यों, अब बन गई तो विरोध किस चीज़ से? उद्घाटन से। मैं बोला हूँ भाई तुम्हें संसद इतना ही विरोध है, तुम्हें लग रहा है तुम आज सांसद ही छोड़ दो, बोल दो हम इस संसद में कदम नहीं रखेंगे, हम हमारी सांसद ही त्यागते हैं, बोल दे विरोध दर्ज कर दे। विपक्ष की अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ वो कहते हैं राष्ट्रपति के हाथों, दूसरी तरफ कहते हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के हाथों, विपक्ष अपनी बातों पर नहीं अड़ रहा है सर, तो किसके हाथों करवाना चाहते हैं? नहीं सर, मैम आपने दो ही बात बोली, तीसरी बात बोलता हूँ, विपक्ष के कुछ नेता ये भी बोलते हैं भारत का प्रधानमंत्री लोकार्पण नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? कांग्रेस के प्रमोद आचार्य जी के यही कमेंट हैं, तो अब किसकी बात करेंगे? और HD देवगौड़ा जी जो खुद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने खुद बोला है कि मैं इसके लोकार्पण में जाऊंगा, इसके उद्घाटन में जाऊंगा। तो आज एक प्रधानमंत्री जो BJP से नहीं कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे, तो आज ये विपक्ष कहाँ है? आज क्या कांग्रेस को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है? वो कर क्या चाहिए? इनका केवल एक ही एजेंडा है मोदी विरोध। मैं बोल रहा हूँ मोदी उस संसद में बैठेंगे, मोदी ने बनाई है, तुम संसद का विरोध करो सांसद ही छोड़ दो, मोदी 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे तुम इलेक्शन लड़ना छोड़ दो, मोदी भारत के प्रधानमंत्री है भारत छोड़ दो भाई, विरोध करना है तो, क्योंकि वो भारत के एक आम नागरिक भी नहीं भारत के प्रधानमंत्री है, तो मोदी विरोध करना है तो भारत छोड़ दो। वो तो विरोध कर रहे शांगेल शेंगोल का भी, उसको हिंदुत्व से जोड़ दिया, वो हिंदुत्व नहीं, वो हमारी सांस्कृतिक निशानी है। अगर आपको इतना ही हिंदुत्व से घृणा है, भारत का नाम राजा भरत पे है जो कि एक हिंदू सम्राट थे, भारत के नाम का विरोध भी कर देंगे मैडम के लिए, परसों ये सत्यमेव जयते का विरोध भी करेंगे क्योंकि वो मूंडका उपनिषद में लिखा हुआ है जो भी हिंदुओं का है, वो उन शेरों का भी विरोध करेंगे जो अशोक स्तंभ से लिए गए, अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के थे जो बुद्धिस्ट थे जो सनातन को मानते थे, तो क्या ये अशोक स्तंभ का विरोध करेंगे? या कोर्ट में जाते जब गीता की कसम खाते हैं, मैं गीता के हाथ रख के कसम खाता हूँ झूठ नहीं बोलूंगा, तो ये क्या ये किसी भी कोर्ट के न्याय के मंदिर का विरोध कर देंगे? ये किस विरोध में आ रहे हैं? काफी सारी विपक्षी पार्टियां इस तरीके से बोलती है अगर PM उद्घाटन करते हैं तो हम शामिल नहीं होंगे समारोह में। मैडम इसका जवाब बताऊं किससे किसे मांगना चाहिए?
हम जो साथ हैं मोदी जी के उन्हें नहीं, जो इन विपक्षी पार्टियों के साथ है ना, आज उस जनता को इनकी गुद्दी पकड़ के थप्पड़ मार के पूछना चाहिए कि भाई तुझे क्या ऐसी हरकतें करने के लिए हमने सांसद बनाया था।